मानसून के वापसी के दौर में देश के विभिन्न हिस्सों में अभी भी मूसलाधार बारिश हो रही है। सोमवार को गुजरात, कर्नाटक, सौराष्ट्र, कच्छ और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भारी बारिश से अत्यंत बारिश हुई है। वहीं बिहार और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में गरज तड़प के साथ हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है। भारतीय मौसम विभाग के ने बताया है कि पूर्वोत्तर भारत के राज्य असम, अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर के पास एक भयंकर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन रहा है। वहीं हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली से मानसून के वापसी के फेवरेबल कंडीशन बन रहे हैं। मौसम विभाग ने बताया है कि मंगलवार से लेकर अगले 4 से 5 दिनों तक पूर्वोत्तर राज्यों में भारी से अत्यंत भारी बारिश की संभावना है। दरअसल असम से साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन रहा है, जिसकी वजह से नॉर्थ ईस्ट के सभी 7 राज्यों असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम और नागालैंड में मंगलवार को मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं प्रायद्वीपीय भारती के कुछ राज्यों में जैसे कि तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक और केरल में अगले 4-5 दिनों तक भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने 1 अक्टूबर के लिए मौसम का अलर्ट जारी किया है। आईएमडी ने बताया है कि मंगलवार को प्रायद्वीपीय भारती के राज्य केरल और तमिलनाडु में भारी से अत्यंत भारी बारिश हो सकती है। इसके लिए यहां येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। साथ ही मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर राज्यों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने बताया है कि असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम और नागालैंड में अगले 4 से 5 दिनों तक भारी बारिश होने की संभावना है। इधर दिल्ली एनसीआर की बात करें तो लगभग मानसून की वापसी हो चुकी है। पिछले 1 हफ्ते से दिल्ली और आसपास के इलाकों में बारिश नहीं हो रही है। आगे भी इनके न होने की संभावना जताई गई है। सुबह सुबह मौसम में हल्की सी ठंड हो रही है, लेकिन दिन चढ़ते ही तेज धूप के कारण उमस और गर्मी भी महसूस किया जा रहा है। फिलहाल इस खबर